जय माता दी बंधु, कैसे हैं आप लोग। हमारी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी अपने जीवन में खुश रहें, अच्छे रहें और तरक्की करें। बंधु, आज का हमारा ये वीडियो है कन्या राशि वाले जातकों के लिए। आज के इस वीडियो में हम आपको कन्या राशि के मई 2021 के मासिक राशिफल के बारे में बताने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। इस माह आपका मन बाहरी गतिविधियों में ज़्यादा लगेगा। घर में रहकर भी आप बाहर क्या चल रहा है इत्यादि में खोए रहेंगे। ज़्यादातर समय आप स्वयं में जैसे कि टीवी, कंप्यूटर, सोशल साइट्स इत्यादि पर लगाएंगे। इस कारण आपके परिवार वाले आपसे नाराज भी रह सकते हैं। माह के तीसरे सप्ताह में अपने भाई या बहन के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। उनके साथ कोई दुर्घटना घटित हो सकती है, इसलिए उन्हें कोई भारी सामान उठाने देने से बचें तथा बाहर का खाना ना खाने को कहें। व्यापार के क्षेत्र में इस माह मिश्रित परिणाम आपको प्राप्त होंगे। कुछ ऐसे अवसर आएंगे जिसमें आपको बड़ा लाभ मिलेगा तो कभी घाटा भी उठाना पड़ सकता है। कुल मिलाकर आप बचत में रहेंगे व ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं होगी। सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए ये माह आरामदायक रहेगा व उन्हें नए अनुभव सीखने को मिलेंगे जो भविष्य में बहुत काम आएंगे। प्राइवेट नौकरी कर रहे लोगों को इस माह अपने सहकर्मियों का भरपूर सहयोग मिलेगा जिससे उन्हें अपना काम करने में आसानी होगी। विद्यार्थियों के लिए ये माह शुभ होगा व उन्हें अच्छा परिणाम मिल सकता है। अपने स्कूल कॉलेज में भी वे प्रशंसा के पात्र बनेंगे, इसलिए पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें। इस दौरान सहपाठी भी आपकी भरपूर सहायता करेंगे। यदि आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो उसमें भी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र इस माह संतुष्ट दिखाई देंगे व उनका ध्यान स्वयं में और ज्यादा सुधार लाने की ओर होगा। विवाहित लोगों का इस माह अपने पति या पत्नी से झगड़ा होने की संभावना है जिससे आपसी मतभेद और बढ़ जाएंगे। ऐसे समय में अहंकार को अपने ऊपर हावी ना होने दें व एक दूसरे को समझने का प्रयत्न करें। रिलेशन में रह रहे लोगों का संबंध इस माह और ज़्यादा मधुर होगा व दोनों का विश्वास और मजबूत बनेगा। यदि आपकी किसी के साथ विवाह की बात चल रही है तो सामने वाले पक्ष की ओर से किसी के द्वारा उसमें अड़चन डालने का प्रयास किया जाएगा। आपको इसके बारे में देरी से पता चल सकता है, इसलिए पहले से ही इस बात को लेकर सतर्क रहें। माह के पहले सप्ताह में ही खांसी या जुखाम की समस्या परेशान कर सकती है जो कि कुछ दिनों के लिए रहेगी। ऐसे में परेशान मत होइए क्योंकि यह सामान्य ही होगी तथा कुछ ही दिनों में चली जाएगी। शारीरिक रूप से आप स्वस्थ रहेंगे तथा किसी प्रकार की कोई अन्य समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मानसिक रूप से आप किसी बात को लेकर चिंतित रह सकते हैं और ये बात किसी से शेयर भी नहीं कर पाएंगे जिस कारण चिंता और भी बढ़ जाएगी। ऐसे में हमारी सलाह यही है कि जो भी बात हो उसे आप अपने किसी मित्र या सगे संबंधी के साथ अवश्य साझा करें। यदि आप घर से दूर काम करते हैं और नौकरी से खुश नहीं हैं तो इस महीने कुछ अच्छे अवसर हाथ में आएंगे, लेकिन ध्यान नहीं दे पाने के कारण वे आपके हाथ से निकल जाएंगे। इसलिए इसको लेकर पहले से ही सचेत रहें और चारों ओर नज़र बनाए रखें। मई माह होता है दूसरे तिमाही का मध्य समय, जो कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला होगा, क्योंकि लग्न में शनि का मकर में बैठना एवं सूर्य का राशि गोचर करके सुख के घर में उच्च का होना, कर्मेश व भाग्येश के साथ बैठना एक आदित्य योग व केंद्र त्रिकोण का राजयोग बन जाएगा, जिसके प्रभाव से आपके स्वास्थ्य में सकारात्मक बदलाव देखने को प्राप्त होंगे। परिवार व प्रेम के लिए भी समय सही संकेत दे रहा है।
प्रेमी अपने रिश्ते में आगे बढ़ सकेंगे, वहीं परिवार वाले सुख व शांति की अनुभूति करेंगे। लेकिन व्यापार व वैवाहिक जीवन के लिए मई का महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि व्यापार के घर पर शनि की दृष्टि पड़ना, उस घर का स्वामी चंद्रमा का 12वें भाव में होना मन को बेचैन करेगा, जिसके चलते विचारों में मतभेद हो सकता है, जो आपके वैवाहिक जीवन व व्यापार के लिए सही नहीं रहेगा। धैर्य से काम लेना होगा। कन्या मासिक राशि फल 2021 के हिसाब से मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला होगा। कार्य क्षेत्र व व्यापार करने वालों के लिए ये समय उत्तम रहेगा। आपको कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। कन्या लवर्स के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। धन के लिए भी उत्तम समय है और धन लाभ आपको हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से इस समय को उत्तम नहीं कहा जा सकता है। शनि चंद्रमा का विष योग व शनि की दृष्टि हेल्थ के घर पर पड़ना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं कह सकते। शनि का भी वक्री होना व बृहस्पति का भी इसी महीने में वक्री होना शुभ फल देने वाला होगा, लेकिन शनि का वक्री होना स्वास्थ्य व करियर में थोड़ा उतार चढ़ाव बनाने वाला होगा। मई का महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत अच्छा कह सकते हैं, क्योंकि सूर्य का राशि परिवर्तन करना, मिथुन राशि में बैठना व मंगल का शुक्र के साथ प्रेम के घर में एक योग बनाना प्रेम करने वाले जातकों के लिए अच्छा समय रहने वाला होगा। वहीं व्यापार वालों के लिए भी अच्छा समय, लेकिन कार्यक्षेत्र वालों के लिए संघर्ष में रहेगा। नौकरी पेशा जातकों को इस समय के दौरान धैर्य व ध्यान के साथ काम करने की जरूरत होगी। इस समय आपको अपने काम को गंभीरता से लेना होगा। अपने उच्च अधिकारियों के साथ बेहतर संबंध बनाने की कोशिश करें, अन्यथा आपको उनका रोष झेलना पड़ सकता है, जिसके कारण कार्यक्षेत्र के प्रति मन अशांत रहेगा। आगे की बात करूं तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। कार्य क्षेत्र व व्यापार करने वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। व्यापारियों के व्यापार में विस्तार व नौकरी पेशा वालों के कार्य क्षेत्र में प्रमोशन व इंक्रीमेंट संबंधी योग बनते दिखाई दे रहे हैं, और ये योग आपको मई माह के अंतिम चरणों में दिखाई देंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन करके कर्क राशि में सुख के घर में बुध के साथ बैठना एक आदित्य योग बनाएगा, जो आपके करियर को चमकाने वाला योग बन जाएगा। इस समय आपको कार्य में अच्छा लाभ होगा, कार्यस्थल पर आपकी धाक बनेगी। तो बंधुओं, ये था वीडियो कन्या राशि वाले जातकों के लिए। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल देशी भक्ति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, घंटी दबाएं और ऑल सेलेक्ट करें। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाएं और जय माता दी ज़रूर लिखें। जय माता दी।